हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स विद वंदना झा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दिल से। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ, मेरा खुद का जो मैं करती हूँ, खुद का एक्सपीरियंस जो है मैं वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो आप इसको फेस मास्क भी बोल सकते हो, फेशियल भी बोल सकते हो, क्लीनअप भी बोलते हो, स्क्रबिंग भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो जो इन्ग्रीडियंट्स मैंने यूज किए हैं ना वो किचन में, सबके किचन में आसानी से अवेलेबल होता है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, मिल्क पाउडर एंड कॉफ़ी फेशियल, जो आराम से आपके किचन में सारा सामान होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लगा। जब आप मेरा वीडियो देखोगे ना लास्ट में, जब मैं शावर लेकर आई थी तभी आप देखना कि मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा था, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आया था, बहुत ही अच्छा रिजल्ट। तो आप इसको ना हफ्ते में एक दिन बीच करके भी कर सकते हो, उसके बाद आप हफ्ते में दो दिन भी कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार भी कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा स्क्रबिंग भी है, मसाज भी है, फेस मास्क भी है। अगर आप इसको कम से कम एटलीस्ट आप इसको अगर 20-25 मिनट रख लेते हो, सूख जाता है, तो ये आप इसको मास्क भी बोल सकते हो, बहुत फ़ायदेमंद है। मुझे तो बहुत सारे बेनिफिट्स इसके लगे थे, तो मैंने खुद अप्लाई किया, जो मुझे रिजल्ट मिला है वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैं पहले खुद अप्लाई कर लेती हूँ, मुझे लगता है कि हाँ ये आप लोगों के लिए भी सही है, तभी मैं आप लोगों को देती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ यार आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए फिर देखिए आगे वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स विद वंदना झा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को सिंपल सा एक फेस मास्क या आप स्क्रब या फिर मसाज जो भी सोचो वो मैं अब शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। इसके लिए मैंने जो जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मिल्क पाउडर, फिर चावल का आटा, रॉ मिल्क एंड कॉफ़ी पाउडर। तो मैंने सबसे पहले इसमें चावल के आटे में मिला दिया है मिल्क पाउडर को, अब मैं कॉफ़ी पाउडर मिला रही हूँ, और जो मैंने कच्चा दूध लिया है उसको मिलाना है, और साथ में ये हनी है, हनी को भी मिला देना है। दूध मैंने 3 से 4 चम्मच लिया था, जिसमें आप जितनी क्वांटिटी आपको ज़रूरत होगी उतना ही लेना। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाऊँगी, अच्छे से इन सब चीज़ों को मिला लेना है। अब देखो मैंने इसका एक थिक पेस्ट बना लिया, जो मैं बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसको मैं अपने चेहरे पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। देखो ऐसा पेस्ट बनकर तैयार हुआ है बिल्कुल। हेलो, अब देखो मैं सबसे पहले मैं अपने बालों का एक जूड़ा बना लेती हूँ, ताकि ये पेस्ट कहीं लगे ना अच्छे से। उसके बाद फिर मैं ये पेस्ट पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, हर जगह, नेक वगैरह हर जगह मैं इसको अप्लाई करूँगी। तो देखो मैंने ये पेस्ट ले लिया, अब मैं इसको अपने चेहरे पर आराम से अप्लाई करूँगी। प्लीज़ आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसके बाद देखो मैंने ये पेस्ट अपने चेहरे पे आराम आराम से लगाया है। इसको ना अप करके लगाना है, डाउन की तरफ मत लगाना, वरना स्किन ना लूज होने का डर होता है, इसलिए। इसको मैं अच्छे से लगाऊंगी चारों तरफ, माथे पे भी लगाओ, नाक के पास भी लगाओ, गर्दन पे भी लगाओ, गर्दन पे सामने भी लगाओ और पीछे भी लगाओ, क्योंकि आपका जो स्किन डल होता है वो हर जगह डल होता है, ज़रूरी नहीं है आपके फेस पे ही वो होता है, डलनेस हर जगह होती है। तो चारों तरफ खूब अच्छे से अप्लाई करो आप इसको। मैं तो कोई भी फेस मास्क या जो भी मैं क्लीन अप करती हूँ घर में, जो भी चीज़ करती हूँ ना, मैं हर जगह मतलब फेस पे भी लगाती हूँ और मैं गर्दन पे भी लगाती हूँ। अगर मेरा बनाया हुआ जो पेस्ट होता है वो थोड़ा भी बच जाए तो उसको मैं नहाते टाइम हाथ पैर पे भी अप्लाई कर लेती हूँ। थोड़ा तो थोड़ा बच ही जाता है, पूरा लगता नहीं, थोड़ा सा बची, जैसे देखो अभी बच गया, मैं इसको नहाते टाइम हाथ पे लगाऊंगी। अब मैं आ चुकी हूँ, ये मेरा ड्राई हो चुका था, मैंने जो ये मास्क लगाया था ये ड्राई हो चुका था। अब मैं इसको हल्के हल्के हाथों से रब कर रही हूँ, ज़ोर से मत करना, क्योंकि चावल का आटा बिल्कुल महीन नहीं होता है, तो वो आपकी स्किन को ख़राब कर सकता है, इसलिए हल्के हाथों से स्क्रब करो। देखो मैं कैसे हल्के हल्के हाथों से स्क्रब कर रही हूँ, बिल्कुल फोरहेड पे भी कर रही हूँ, नाक के आसपास भी कर रही हूँ, जो बिल्कुल वाइट जो हो जाते हैं ना नाक के पास, आपके ये टोनी पे भी हो जाते हैं, हर जगह हो जाते हैं।
तो वाइट हेड्स भी होते हैं ब्लैक हेड्स की जैसे, वो पूरे अच्छे तरीके से साफ़ करो। मैं ऐसे ही धीरे धीरे हल्के हल्के करो। मैं थोड़ा सा पानी ले लूँगी, अब थोड़ा सा पानी ले लूँगी, इसको गीला कर लूँगी। अब ये अच्छे से, मेरे को ना 5 से 7 मिनट लगे थे हल्के हल्के, और ये तीसरी वाली उंगली से आँख के आसपास करो, हल्के हल्के हाथों से करने में मेरे को 5 से 7 मिनट लगे थे। फ्रेंड्स, पहले मैं खुद अप्लाई कर लेती हूँ हर चीज़, फिर मुझे इसका अच्छा रिजल्ट लगता है, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप एक बार ट्राई करना, बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा, जब आप चेहरा धोओगे ना, तो फिर नहाने के बाद देखना आप, बहुत सॉफ्ट ही बहुत, बिल्कुल जैसे बच्चे की स्किन होते हैं ना, ऐसे सॉफ्ट स्किन हो जाएंगे आपके, और फिर ग्लो करेगा वो तो अलग ही है। तो मैंने दिखाया है कि जब मैं शावर लेकर आई थी, तो मैंने दिखाया कि मेरा स्किन कितना ग्लो कर रहा था, वो आप देखना। देखो अब मैं शावर लेके आ चुकी हूँ, अब देखो मेरा स्किन कितना ग्लो कर रहा है, बिल्कुल जो वाइट वाइट शेड्स होते हैं जो नीचे हो जाते हैं चोंदी के पास, वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। नाक के आसपास देखो, मैं पूरा बिल्कुल आपको क्लोज से दिखा रही हूँ, बिल्कुल कहीं भी कुछ नहीं लग रहा होगा, एकदम साफ़ हो जाता है पूरा। तो प्लीज़ आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना, मुझे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट लगा था। आप लोगों को लगे तो ज़रूर एक बार ट्राई करना। थैंक यू।